अच्छा गुरु जी धन्यवाद, अंतिम सत्य आज समझ में नहीं आया। अंतिम सत्य कोई समस्या ही नहीं है, समझ ही नहीं सकता, ये समझ में आएगा कि कोई नहीं समझ सकता। हाँ ऐसे बैठे बैठे मैं कभी कभी बात किया हूँ तो मेरे क्लास में ना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते, कुछ ध्यान नहीं किया, कुछ नहीं किया, ओनली टॉकिंग, बाय टॉकिंग हृदय पर हाथ रखे हट्टे कट्ठे चिल्ला कर रोने लगे, प्रेम भाव बात करते करते, हालांकि वो रिकॉर्ड हमारी हुई नहीं, ओनली बाय टॉकिंग, लेकिन उसके लायक वो रहता है तब, टॉकिंग में कनेक्ट होगा तब, वो जब तक बोलेगा गुरुजी ये है नहीं है, फिर 3 साल बाद में गुरुजी ये है नहीं है, गुरुजी ये है नहीं है, गुरुजी ये नहीं है, वो जितना भी लगेगा बोलेगा नहीं है। क्योंकि अभी भी वो किस चीज को पकड़ा है, इसीलिए कहा जाता है तुम जान नहीं सकते हो, तुम बोध कर सकते हो, बोध और जानने में अंतर होता है, जानने में दो होता है, जानने में क्या है कि हम कोई चीज को जान लिया, बोध में क्या हो गया उसमें विलीन हो गया, एकत्व में आ गया, एकीकरण में आ गया, एकात्मा हो गई, मतलब जो दिख रहा है जो देख रहा है इन दोनों में अब यूनियन आ गई एक। तो यही है बस। गुरु जी कैमरे बिना का एक क्वेश्चन है, मतलब जो समझो हम तो छुड़वाने के लिए आए, मतलब बंधन तोड़ने के लिए, जिसका देवी देवता है तो देवी देवता तोड़ देने के लिए, बरोबर, जिसका देवी देवता। अच्छा रुकिए, इससे पहले एक बार यहाँ आइए, अकेले में आके मुझे शेयर करोगे तो बुला ही दूंगा कभी कभी, इधर घूमिए। हाँ पत्नी को कल फोन करके क्या बोला? वही मैंने सब फेंक देने को बोले। क्या फेंकने के लिए? जो जो उसके रिलेटेड चीज वस्तु है सब फेंक देने के। छोड़ देने के। पत्नी को, तो पत्नी ने क्या बोली? खुश हो गई। हमारे तो वो मानती नहीं है सब, तो वो तो खुश हो गई। और आप? हैं? मैं भी खुश हो गया, चलो छूटा एक बोझ चला गया। अंदर से तो इंटरेस्ट ही नहीं देखा, बोझ चला जाए। देखो अभी इधर आ जाओ, ये आपको आपको नहीं नहीं आपको आपको आई एम टॉकिंग टू यू, यस प्लीज कम, आप मुझे दरवाजा पर वहां पर जाके क्या बोल रहे थे कि गुरुजी? चलो द्वैत में तो हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है। हाँ भाई चुप्पी लगा देना तो चुप मत हो जाओ एकदम। नहीं नहीं गुरुजी, मैं सोच रहा हूँ क्या क्या मैंने बोला था। हाँ ठीक है, क्योंकि पूरा वॉश हो रहा है ना, धुलाई हो रही है पूरी। अभी क्लीन नए तरीके से बाहर निकलूंगा ना। आप क्या बोल रहे थे कि मैं कल से अपने मंदिर जाना छोड़ दिया ना, वो भी भूल गया, परसों से। तो क्या बोल रहे थे कि अब मैंने जाना छोड़ दिया तो लगता है कुछ छूट गया एकदम, उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खाली लग रहा है। हाँ आज सुबह का वो बहुत खाली और मन से प्रसन्नता है कि ऐसा लग रहा था कि एक बोझ इसका है, एक बोझ इसका है, एक जाप का है या मूर्ति पूजन का है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो डगरी लेके बोझ लेके घूम रहे हैं। अभी वो सब छूट गया, अभी खाली हो गए पूरे, इधर से खाली, अंदर से खाली, विचार से खाली, सबसे अंदर से कहने का मतलब पूरा खाली। खाली बोले तो पूरा जो कीचड़ वगैरह सब धुल गया, वो जो पानी दिख रहा है वो साफ है या नहीं वो भी समझ में नहीं आ रहा है, कहने का मतलब खाली ही खाली है, अंदर से भी खाली हूँ बाहर से भी खाली हूँ। अभी तो ये समझ में आ रहा है कि गुरु को गुरु भी मानूं या न मानूं,
जो ये ऐसा लग रहा है वही बोलने गुरु को गुरु मानो या ना मानो, ये बंधन मेरे को बंधन लग रहा है जो आपने दिया, गुरु को मानो या ना मानो वो ऐसा बंधन भी नहीं चाहिए, मतलब ये कुछ भी नहीं, बरोबर ये इंद्रिय भाषित सत्ता है, जब तक ये शरीर और आंखें हैं ना, तो बाद में बोले मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, खाना खाना भी बंधन लग रहा है, बेटा को बेटा मानूं या ना मानूं, ना इसको भी उड़ा दूं फिर ऐसा भी होता है, गाड़ी को अपना गाड़ी मानूं या दे दूं दूसरे को, घर को अपना घर मानूं या दूसरे को दे दूं, जब यही देना है तो निराज जी बैंक अकाउंट दे देना, सारा ट्रांसफर करवा लो, जब ये बंधन लग रहा है तो वो भी तो बंधन लगेगा। पहले दिन मुझे ऐसा लगा था कि जो ये अंदर की बात है, बाहर में आपको अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ेगा, वो अपने आप चलते रहोगे, ये एक प्यार है बस और कुछ नहीं है, प्यार प्यार के हिसाब से बोलो, इसको खोल कर भी फेंक दोगे भी तो कोई बात नहीं है, मैं तो शुरू से बोलता हूं, एक एक परंपरा, लेकिन अंदर में वो परंपरा खत्म हो चुका है, ऐसा देखो आप, द्वैत की दुनिया में द्वैत के लिए सच्चाई है, सही बात, अद्वैत में ये नहीं है लेकिन द्वैत में है, गुरु की तो काम ही है कि उस जगह में लाए कि गुरु शिष्य भी अंदर से ना दिखे, बाहर से हम झुक रहे हैं एक दूसरे का, प्रकृति में घट रही है, तो जो घट रही है वो हम नहीं है, ये प्रकृति को देखो ना कैसे घट रही है एक दूसरे से, अभी भी बोलो कि मैं गुरु मानू या ना मानू, तो ये भी तो बंधन ही मुझे दिख रहा है, गुरु को अभी भी अंदर में कि गुरु को मानू या ना मानू, अब शरीर जाकर झुक रहा है तो अब अपने आपको फिर देहात्म फिर शरीर ही मान लिया, आप ना झुकने वाले हो ना चलने वाले हो, शरीर कहीं झुके तो क्या, भिखारी के चरण में भी झुके तो कोई बात ना, भाव आए तो वैसे ही झुक जाते हैं, और नहीं लगा तो झुकते भी नहीं, ऐसा भी हो जाता है। गुरु और शिष्य के मन के ऊपर है वो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में बेटा बेटी गुरु पेड़ पौधे फल मूल ये भी ज्ञान होना जरूरी है, ये अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाता है, शुरुआत में लगता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन में आ जाओगे तो प्रकृति के लय में आ जाओगे तो सब बातें समझ में आ जाएगी। अभी प्रकृति के लय में आया नहीं हो अभी, इसीलिए ऐसा लग रहा है, तो वो भी लय में आ जाओगे, हृदय में प्रेम बहुत ज़्यादा आ जाएगा बाकी जीवन को जीने, शरीर को जीने के लिए, एक एक चिंगारी जो जीव है ना चिंगारी, तो जीव अंदर में मैं सिर्फ इस शरीर में हूँ वो महसूस नहीं कर रहा, दरवाजा खुल जाएगा तो अनंत ही रहेगा, लेकिन एक चिंगारी है जो अभी भी शरीर विदेह मुक्ति नहीं मिली है, देह में रहते ही अगर मुक्ति की लग रहा है लेकिन देह विदेह मुक्ति अंतिम में होगा, जिसे महापरिनिर्वाण बुद्ध ने कहा उसको मैं विदेह मुक्त भी कह रहा हूँ, विदेह मुक्त, ये सब पूरे के पूरे लेके चलना पड़ेगा, पूरा पूर्ण स्वतंत्र अंदर से, बस स्वतंत्र अंदर से मां स्वतंत्रता ड्यूअलिटी में ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी मैं आपके चरण छू तो ऐसा लग रहा है मैं खुद को खुद ही कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, या फिर मूर्ति को भी अगर मैं झुकू तो ऐसा लगता है वो भी मेरे अंदर ही है, मैं उसी को प्रणाम कर रहा हूँ, आकाश के अंदर ही है ना सब, हाँ आकाश के अंदर ही है, पहले अलग लग रहा था आप अलग है मैं अलग हूँ, वो नहीं रहा, वो ऐसा लग रहा है कि दोनों मिंगल होके एक हो गए, ऐसा समझ में आ रहा है, बैठ जाइए आप लोग, इंद्रियों के लिए सकार हमेशा सत्य होगा याद रखना है, अब कुछ नहीं रहा गरम तवा पे हाथ मत रख देना, जब तक शरीर और इंद्रिया है तो सकार देवी देवता प्रकृति इसके लिए प्रकृति के लिए उसके लय में रहना ही पड़ेगा, रहते हुए भी फिर अंदर नहीं हो, बस आप जहां भी ध्यान करोगे आकाश ही आकाश रहेगा, खालीपन ये एक इशारा दिया जा रहा है, अंदर घबराहट परेशानी सब खत्म हो जाएगी, आईने में हम है बट वो हम नहीं है, रियल में नहीं है,
वहां पे ना आईना है ना आईना में दिखने वाला है। आईना कहां से आ गया, आईना में कौन सा छवि दिख गया? नहीं वो ना उधर आईना है ना आईना में दिखने वाला ही है, उसमें तो दो आ गया। अगर ये कैलकुलेशन सब खत्म हो जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा, एकदम से हो जाएगा तो शायद आप लोग घर ही नहीं जाओगे, ऐसा भी हो सकता है ना, घर भी भेजना है ना, धीरे धीरे घटे। बोलो नहीं तो घर में जाकर स्वप्न में पूछोगे आप। मेरा काम है आप लोगों को पूरी की पूरी तरह से कंफ्यूज करके जाना। घर पे जब जाऊं तो जब करूं या ना करूं, कर भी लूंगा तो क्या मिलने वाला है, मिल भी जाएगा तो क्या होगा, आज कर लेता हूं फिर कल आऊं। तो आप अगले 6 से 1 साल के अंदर पूरे कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज। तो मुझे लग रहा है कि हमारा भी काम सफल हो रहा है। ये शरीर के अंदर प्रकृति जो है, प्रकृति तो एक दूसरे के लय में रहेगी ना, जब तक विदेह मुक्ति नहीं मिली है। विदेह मुक्ति नहीं मिली तब तो ये लय में रहेगी, लय मतलब हम एक दूसरे के साथ मिलन, नाचना गाना रासलीला झूमना भक्ति, हाँ ये सब तो चलते रहेगा, ये प्रकृति है। इस चलने में क्या है जो नहीं चल रहा है, उसमें ठहर जाओ ना, तो देखो ये चल रहा है तो चलने दो, ये चल रहा है चलने दो, ये रुकेगा भी नहीं। रुकता वही है जो कभी स्टार्ट होता है, जो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो वो रुकेगा कैसे? जब रुकना नहीं होता मतलब वापिस आ गए ना जमीन पे, स्थिरता नहीं रहती, वापिस जमीन पे आ गए तो वापिस वो थिंकिंग आ जाती है, ठहरना जो धीरे धीरे बढ़ता है, वापिस एक बार आते हैं नीचे जैसे रात दिन होता है ऐसे आते हैं तभी सब आता है। वापिस एक दो सेंटेंस या कुछ भी ऐसा सुन लिया या देख लिया, वापिस वो ठहराव में आ जाता है। जब तक पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी तब तक आपको गुरु हो या गुरु के संग हो, अध्यात्म के साथ ही चलना पड़ेगा। निवृत्ति होने के बाद भी, निवृत्ति होने के बाद भी आपको इसी माहौल में अपने आप को जहां भर भी है रखना चाहिए। व्यवहार कला है नहीं, अपने आप रहोगे सिंक्रोनाइज में आ जाओगे, आपको दूसरे जगह आपका प्रकृति जाएगी नहीं, उसी जगह में रहोगे। देखो ये अपना अपना लय में है ना, उसका आत्मज्ञान से कुछ मतलब है क्या? अभी नहीं है ना, अपने प्रकृति में घूमते आ जाता है, आराम से मस्ती में रहता है, इसी तरह से हो जाओगे। मतलब आपकी अगर द्वेत की भी स्थिति बताया जाए, द्वेत की प्रकृति की स्थिति बताया जाए, तो आप जहां रहोगे जिसके साथ रहोगे, द्वेत की बात बता रहा हूं, ये प्रकृति वाली, पूरी की पूरी वैसे ही रहोगे आप, संपूर्ण मतलब वही की वही है, जहां हो वही की वही हो। मन को जीवित रहने के लिए आपको अतीत या तो वर्तमान में जाना पड़ता है, हीलिंग चल रही है, बीमारी दूर हो रही है माँ बेटी के दूर। तो जब भी आपका अतीत में जाएगा ना चिंतन मनन, तो सोचो मन आ गया, भविष्य में जाएगा तो भी मन आ गया, वर्तमान में मन नहीं रहेगा, जो है जहां है जैसा है वहां पे पूरे के पूरे है,
मतलब बिजनेस भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, घर में गया तो वो है, यहाँ है तो वो नहीं है, जो है सो है, ये प्रकृति हो जाती है। खाना खा रहा था, खाना ही खा रहा है बस, लेकिन खाते हुए भी नहीं भी खा रहा है, वो भी स्थिति बनी हुई है। इसी को कृष्ण बोलते हैं, करते हुए भी सब कुछ नहीं करता है और नहीं करते हुए भी सब कुछ करता है। तो इसमें बात यह है, अंदर एक स्थिति बन रही है कि गुरु जी भी तो सब कर रहे हैं, तो दिख रहा है कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे भी है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अनुभूति हो नहीं रही है। तो एक बाहर की दृष्टि से बता रहे हैं, एक अंदर की दृष्टि से, सब कुछ करते हुए भी तो साधकों के लिए दिख रहा है सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बाहर की दृष्टि से सब कुछ करते हुए, फिर वो भीतर उसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि उसको अनुभूति नहीं रही कि कुछ कर रहे हैं, तो करते हुए भी कुछ नहीं करते, उसी को कहते कर्ता में अकर्ता, अकर्ता में कर्ता, एक उस दृष्टि से एक इस दृष्टि से। अगर हम प्रेजेंट में है तो मन नहीं रहेगा, बस जो है सो है, चेतना अवेयरनेस कंप्लीट अवेयरनेस संपूर्ण चेतना। खाना खाते वक्त यहाँ से कहाँ जाएंगे वहां से, वो अवेयरनेस समझ रहे हो ना, कहीं नहीं खा ही रहे हैं उसमें ही ध्यान, जागृति, हम और आप है और कोई जहां नहीं, हम और आप से हम गा रहे हैं तो बस गाना हो रहा है, गा कोई नहीं रहा है, बात कर रहे हैं तो बात कोई नहीं कर रहा, बात होना हो रहा है, चल रहे हैं तो कोई चल नहीं रहा, चलना हो रहा है, सब हो रहा है, एकदम वही वर्तमान। वर्तमान भी एक विचार ही है, प्रेजेंट, हम तो प्रेजेंट में ही है, शरीर तो बैठे, ये प्रेजेंट की बात नहीं कहा जा रहा, इवन प्रेजेंट इज अ थॉट, उसको भी फोड़ना पड़ता है। अभी थोड़े सा आपका उधर कोई भी पॉइंट लगाते रहना, बुद्धि फिसल जाए, अहंकार फिसल जाए, समा गया एक बार तो बोलोगे अरे बाप रे गुरु जी ने क्या बोल रहा था, इतना दिन से इतना विराट कहां मैं नहीं, ये तो कहां तू नहीं, चल रहे चल रहे दिमाग से परे चल, वेरी वेरी क्विकली गुरुजी। सो आई हैड वन वेस्टर्न फ्रेंड एंड स्टूडेंट ऑफ अद्वैता एंड क्वाइट एडवांस, बट आई डोंट नो इफ शी वाज रियली अप टू द लेवल। सो शी सेड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल everything the Advaita talks, it's psychotherapy at the end of the day. I'm still the student in a way, you know, and I said, what if it's the psyche, the mind doesn't exist, then where is the mind and where is the therapy? And we left the conversation there. Aap kya batayenge? Did I say it right in a way? You said completely right. अभी थेरापी, साइकोथेरापी और माइंड ये सब चल ही रहा है, ये तो खत्म हो जाएगा, ना आईना है, ना आईना में देखने वाला कोई चेहरा है, ना माइंड है ना साइकोथेरापी है। कैन एनीवन डिस्क्राइब जो हम कहते हैं यंत्र है, जो अभी अपने मैडम को बोला ये यंत्र है जो भी करते हैं वगैरह कुछ, तो व्हाट वुड इट लुक लाइक और व्हाट वुड इट फील लाइक विदाउट ऑल द यंत्र? आई स्टिल एक्सपीरियंस दैट देयर इज अ रेस्टलेस द माइंड इज स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग, माइंड इज स्टिल लुकिंग फॉर द जब व्हाइल आई वाज देयर आई केम अप विद अनदर मंत्र व्हिच आई हैव embodied with you and Lord Sri Raman, you know. So, would there be anything down the road that mind will be totally freed of all the yantras? That's what we are talking about here. You have to keep going, keep watching your mind, keep observing your mind. A time will come that the mind will start searching all these things. When the mind is not there, then the consciousness is there.
the job of consciousness, the awareness, it will do. Just like inside, mind is the faculty, intellect, buddhi is the faculty. All these faculties will be dissolved. Only pure consciousness, awareness is there only. Buddha, he called that chetna is there, awareness, jagriti is there. Something is going on. This brain is also trying to understand something. But here, you cannot call it mind. Awareness is there. Complete awareness. Thoughts, almost no thoughts. And final thing, you can connect that when you do something, when you read something, when you chant something even, when you try to know the instruments, the secrets of the instruments even of the body and the mind, and you feel that inside, if there is no sense of dullness, then everything is okay. You have to keep researching. Also kept reading the books. In his entire life. But there was no dullness inside. Because the whole universe is still growing, expanding. So your prakriti, your all these job will be also expanding and growing. But there is no sense of dullness that I am growing, I am doing, I am eating. This I-ness is no more. That's it. This is the final point. Yeah. चलते हैं।